हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल देव ऑनलाइन हेल्प। दोस्तों, यदि आप बिजनेस AEPS के रिटेलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप अपना यहां पर ऑन ड्यूटी पास कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी शॉप किस प्रकार से जारी रख सकते हैं और अपने कस्टमर्स को जो है जो भी एसेंशियल सर्विस हैं, जो ज़रूरी सेवाएँ हैं जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, ये आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं और अपनी जो भी शॉप है उसे चालू रख सकते हैं। तो कैसे और कहाँ से आपको डाउनलोड करना है ऑन ड्यूटी पास और अपना रिटेलर पास, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन बटन है उसे भी ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा partner.business.in/login। तो आपको इस साइट को जो है सर्च कर लेना है। तो इस साइट का लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट विजिट कर पाओगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने बिजनेस का ये लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको लॉगिन करने के लिए अपना यहाँ पर ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर डालना होगा और यहाँ पर अपना जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया था, ठीक है, वो आपको यहाँ पर पासवर्ड फिल करना है। यहाँ पर अपना लॉगिन पिन डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम अपनी डिटेल फिल करके लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन जैसे ही करेंगे आप, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपके जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा बिजनेस AEPS का। तो यहाँ पर जो भी सेवाएँ आप देख सकते हैं, रिचार्ज सर्विसेज और BBPS सर्विस जैसे कि बिल पेमेंट, ठीक है, और मनी ट्रांसफ़र, आधार पे, ICICI बैंक, कैश डिपॉजिट, माइक्रो FD, तो जो भी सर्विसेज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्ट परचेस करना है जैसे कि MATM या फिर डिवाइस वगैरह, तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस भी आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर जो भी आपका वॉलेट बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पर शो करता है, ठीक है। अब आपको रिटेलर का जो ऑन ड्यूटी पास किस प्रकार से डाउनलोड करना है और यहाँ पर रिटेलर का जो है यहाँ पर सर्विसेज पास कैसे डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपको जो रिटेलर नेम का लोगो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं रिटेलर का नेम यहाँ पर आ जाएगा लिखा और आपको यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे प्रोफाइल, वॉलेट, ठीक है, रिपोर्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको डाउनलोड वाले सेक्शन में आ जाना है। तो आपको इस डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक न्यू इंटरफेस होगा ओपन और यहाँ पर आपको एसेंशियल सर्विस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, एसेंशियल सर्विस यानी ज़रूरी सेवाओं पर। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, आईडी कार्ड और यहाँ पर ऑन ड्यूटी पोस्टर, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिटेलर का जो एसेंशियल सर्विस का यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोवाइड ऑफ द कंट्री बैंकिंग एंड ATM सर्विसेज। तो आपका ये यहाँ पर ऑथोराइज कार्ड है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको रिटेलर नेम, एजेंट कोड और जो भी आपकी आईडी वगैरह है वो डिटेल्स सब कुछ आ जाएगी। आपको यहाँ पर अपना एक फ़ोटो लगाना है और आप इसे अपनी शॉप पर रख सकते हैं, अपनी सेवाएँ जारी रख सकते हैं लॉकडाउन में भी, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। अब आपको बात करते हैं कैसे आपको ऑन ड्यूटी पास डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑन ड्यूटी पोस्टर का ऑप्शन मिलेगा, हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये ऑन ड्यूटी पास आप अपनी शॉप पर लगा सकते हैं कहीं भी, ठीक है, जिससे पुलिस वगैरह आपको परेशान नहीं करेगी, ठीक है। तो आप बैंकिंग सेवाएं जो है अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गृह मंत्रालय के आदेश से जारी है, ठीक है, तो सभी बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी, इसमें कोई लॉकडाउन आपके लिए जो है लागू नहीं रहेगा। तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी शॉप में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड आप बिजनेस AEPS के साथ काम कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं अपनी सेवाओं को। तो अब किस प्रकार से, अगर आपके पास रिटेलर आईडी नहीं है और आप बिजनेस की रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं और बिजनेस का रिटेलर बनकर आप जो है बैंकिंग सेवाएं चालू रखना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, तो आपको किस प्रकार से आईडी लेना है रिटेलर आईडी, तो उसके लिए हमने आपको पिछली काफ़ी सारी वीडियोज में बताया है, ठीक है। तो उन वीडियो को देखकर आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ दिया हुआ है, तो उस वीडियो को देखकर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए और आप आईडी ले सकते हैं रिटेलर आईडी बिजनेस की। उन वीडियोज का जो लिंक है वो ऊपर आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, तो जहाँ से आप जो है उस वीडियो को देख पाएंगे।
इसके अलावा यहाँ से आप माइक्रो एटीएम कर माइक्रो एफडी कर सकते हैं, देख सकते हैं कोटक लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं किसी भी कस्टमर्स का, यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है। तो आई होप के फ्रेंड आपको यहाँ पर बिजनेस टेईपीएस की सभी सर्विसेज के बारे में और जो ऑन ड्यूटी पास और यहाँ पर रिटेलर पास डाउनलोड करने के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जो भी रिटेलर्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे वो भी एक न्यू आईडी ले सकें, इसके अलावा जो सेवाएं हैं वो यहाँ से चेक कर सकें जो सर्विसेज हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ या एक न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद।